पेंगुलिन या सल्की चीटी खोर कौतूहल पैदा करने वाला प्राणी है। देश में दो तरह के पेंगुलिन पाए जाते हैं, भारतीय और चीनी। चीनी पेंगुलिन पूर्वोत्तर में पाया जाता है। दुनिया भर में पेंगुलिन की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन वनों में पाए जाने वाली चीनी पेंगुलिन की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। दक्षिण एशियाई देशों में उनकी बहुत बड़ी मांग है। पेंगुलिन का शरीर लंबा होता है, जो पूंछ की ओर पतला होता चला जाता है। दिखने में यह जंतु अजीब सा दिखाई देता है। इसके शरीर पर सल्क होती है। ये सल्क सुरक्षा कवच का काम करते हैं, लेकिन थूथन, चेहरे, गले और पैरों के आंतरिक हिस्सों में सल्क नहीं होते। सल्क को चित्तीदार कांटे के बजाय बाल के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि सल्क के पुराने पड़ने और कांटों के झड़ने के साथ ही सल्क के आकार प्रकार घटते बढ़ते रहते हैं। इनका रंग भूरे से लेकर पीला तक होता है। शरीर का सल्क मुक्त भाग सफेद, भूरे और कालापन लिए होता है। पेंगुलिन रात्रिचर प्राणी होते हैं और अक्सर निर्जन स्थानों पर दिखते हैं। हालांकि ये जमीन पर पाए जाने वाली प्राणी है, लेकिन ये ऊंचाइयों पर चढ़ने में बड़े माहिर होते हैं। इनके अगले पैर की पेड़ पर अच्छी पकड़ होती है। पेंगुलिन चींटियों की खोज में दीवारों पर और पेड़ों पर चढ़ते हैं, और इसमें पूंछ भी उनका बहुत सहयोग करती है। दिन के समय ये बिलों में छिपे होते हैं। इन बिलों के मुंह भुरभुरी मिट्टी से ढके होते हैं। इनके बिल करीब 6 मीटर तक लंबे होते हैं। ये बिल जहाँ चट्टानी स्थलों पर 1.5 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं, वहीं भुरभुरी मिट्टी वाले स्थानों पर ये 6 मीटर तक लंबे होते हैं। पेंगुलिन का पिछला हिस्सा चापाकार होता है और कभी कभी ये पिछले पैरों पर खड़े हो जाते हैं। पेंगुलिन के दांत नहीं होते। पेंगुलिन अपनी रक्षा के लिए बाल अर्थात गेंद के आकार में लुढ़कता है। इसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत होती हैं कि लिपटे हुए पेंगुलिन को सीधा करना बड़ा कठिन होता है। कोई मजबूत मांस भक्षी ही इनका शिकार कर सकता है। तथा कथित औषधि उद्देश्यों के लिए पेंगुलिन को मार डालने और उसके पर्यावास को नष्ट करने से उसकी संख्या काफी घट गई है। पेंगुलिन की आंखें छोटी होती हैं और पलकें मोटी होती हैं। पैरों में 5 अंगुलियां होती हैं। पिछला पैर अगले पैर की तुलना में बड़ा और मोटा होता है। जीभ करीब 25 सेंटीमीटर तक लंबी और चिपचिपी होती है, और वह आसानी से अपने शिकार को अपनी जीभ पर चिपका लेती है। कपाल वृत्ताकार या शंक्वाकार होता है। पेंगुलिन अपने खाद्य आदत के प्रति विशेष रूप से ढली होती है। वे दीमकों और चींटियों के घोंसलों को खोदकर उसके अंडे दीमक और चींटी खाते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, और घोंसलों पर हमला करने से पहले वे उसका अच्छी तरह से पता लगा लेती हैं। वे हमला करने के कुछ देर के अंदर ही घोंसले के सभी जीवों को चट कर जाते हैं। पेंगुलिन को बड़ी दीमक और चींटी की बजाय उनके अंडे अधिक पसंद हैं। क्योंकि उनके दांत नहीं होते, इसलिए वे अंडे सीधे उनके पेट में चले जाते हैं। यह प्रजाति प्राथमिक एवं द्वितीयक उष्णकटिबंधीय जंगलों, चूना पत्थर के जंगलों, बांस के घने जंगलों, घास के मैदानों और कृषि मैदानों में पाई जाती है। इस प्रजाति को पूर्वोत्तर में सिक्किम के आगे के क्षेत्रों में देखा गया है। यह प्रजाति पूर्वी नेपाल में हिमालय की तलहटी यानी करीब 1500 मीटर तक, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर पूर्व बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिणी चीन और ताइवान में पाई जाती है। भारतीय पेंगुलिन पूरे मैदानी भाग और हिमालय के दक्षिणी भाग से लेकर कन्याकुमारी तक छिटपुट पाया जाता है। यह पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाया जाता है। भारतीय पेंगुलिन विविध प्रकार के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि पेंगुलिन मानव पर्यावास के समीप ऊसर भूमि में पाया जाता है। पेंगुलिन डरपोक होते हैं और किसी को हानि नहीं पहुंचाते। वे अपनी रक्षा के लिए अपना सिर पेट में छिपा लेते हैं और पूरे शरीर को चक्र की तरह मोड़ लेते हैं, ताकि शरीर के संवेदनशील हिस्से सुरक्षित रहें। मल द्वार वाले हिस्से से कुछ खास प्रकार का द्रव छोड़ना उनका सुरक्षा का दूसरा उपाय है। नर और मादा पेंगुलिन एक ही बिल में रहते हैं, लेकिन उनकी प्रजनन क्रिया के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं हो पाया अभी तक। पेंगुलिन की अधिकतर आबादी खतरे में है। एशियाई पेंगुलिन घटते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके पर्यावास खत्म होते जा रहे हैं और उनकी त्वचा और सल्क के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मांस के लिए उनका शिकार किया जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में पारंपरिक औषधियों के निर्माण के लिए सल्क की काफी मांग होती है। कहा जाता है कि पेंगुलिन का मांस अस्थमा के इलाज और रक्त परिसंचरण बढ़ाने में कारगर होता है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पेंगुलिन परिवर्तित पर्यावास में अपने को अनुकूल ढालने में समर्थ होते हैं, बशर्ते कि वहाँ दीमक और चींटियाँ पर्याप्त मात्रा में हों और कोई उन्हें मारे नहीं। कुछ जनजातीय समुदाय जहाँ बड़े चाव से पेंगुलिन का मांस खाया जाता है, वहीं उनकी सल्क और त्वचा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है।
पूर्वोत्तर राज्यों में शिकार उत्सव के दिन शिकार की वजह से भी उन पर खतरा उत्पन्न होता है। लगातार बढ़ते खेत खलियान और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के चलते भी पेंगुलिन की संख्या घटती जा रही है।